बाबा आप किसी खास मकसद से जा रहे हो? क्या कर रहा है तू? यहीं पे खड़ा हूँ, धीरे बोल। बाबा इसमें बहुत कट रहा है, इसको सोच के मेरे अंदर झंझनाहट से हो रही है। बाबा इस बार मुझे अपने साथ ले चलो। बेटा अगर तू मेरे साथ चलेगा तो ये घर कैसे चलेगा? कल चलता भी है। मेरे कहने का मतलब है मेरी गैर मौजूदगी में इस घर का ध्यान कौन रखेगा? देख पोया, मेरे पीछे से तुझे सब कुछ संभालना है, इस घर का मर्द तू है, समझा? मर्द। बाबा ऐसी बात है तो आप फिक्र मत करो, मैं इस घर को चला लूंगा, मेरा मतलब है मैं इस घर को संभाल लूंगा। शाबाश। और अगर कोई पूछेगा कि बाबा कहाँ गया है तो क्या बोलेगा? क्या बोलूंगा? तू बोलेगा कि बाबा को ठेकेदारी का एक बहुत बड़ा काम मिला है जिसके सिलसिले में वो बाहर गए हैं। ठीक है? ठीक है बाबा। अब तू जा, मैं भी जाता हूँ। जल्दी वापस आना। जल्दी आऊंगा, ठीक है? जा। अरे जा। ना तो इस कमरे में कोई आएगा और इस पुराने बक्से पे तो किसी का ध्यान भी नहीं जाएगा। तिलिस्मान यही महफूज रहेगा। मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई है, वो उस औरत से दूसरा निकाह करने जा रहे हैं। अरे ऐसे कैसे वो किसी भी औरत के साथ निकाह कर सकते हैं? हम जब लोग चाची को बताएंगे कि उनकी जिंदगी में सिर्फ एक ही चुड़ैल आ सकती है। मेरे कहने का मतलब था कि उनकी जिंदगी में सिर्फ एक ही प्यार हो सकता है, और ये प्यार तो कितना प्यार है। हमें ना बाबा को बुला लेना चाहिए, वही ये मुसीबत हल कर सकते हैं। कहाँ है वो? बाबा ने तुझे घर का मर्द बनाया था, तो अब मर्दपन और इस हालात को संभाल। अलीफी बाबा ठेके के काम से बाहर गए हैं, हमें परेशान नहीं करना चाहिए। तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, देखो मैं कैसे संभालता हूँ। चलो देखो भाई, रही बो रही औरत। सुनिए बेबी, अच्छा हुआ आपने ये शरबत पिया, वरना फेंकने में चला जाता। बहलूल चाचा की बकरियों ने मुंह मार दिया था इसमें। देखिए बेबी, आप ना छबरू चाचा का घर तोड़ नहीं सकती, तो इसलिए छोड़ दीजिए उन्हें। नाम क्या है तेरा? पोया। पोया पकड़। तो ये पिद्दी से बच्चे सुल्तान सद्दाम को मशवरा देंगे? पहले मुझसे की हुई गुस्ताखी का हिसाब तो चुका दो कमबख्तो। कितने प्यारे बच्चे हो तुम। क्या हो रहा है? क्या हो गया? क्या हुआ सलमा? इतने बदतमीज हैं ये बच्चे, इन्होंने मुझे पंखे से मारा। अरे कितने झूठ बोल रही हो औरत। अरे झूठ मैं बोल रही हूँ कि तुम सब बोल रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, एक मुजाहिर लड़की को परेशान कर रहे हो। जाओ अपने यतीम खाने, अली नहीं है वरना शिकायत करता तुम लोगों की। आप गलत समझ रही हैं, झूठ बोल रही है। अरे बच्चों के संग बच्ची मत बनो, तुम्हारी आंखों में जलन की आग साफ दिखाई दे रही है, बंद कर रही है ना। सलमा मैं तुम्हारे लिए शरबत बना के लाता हूँ। ठीक है।
पर हाँ थोड़ा शक्कर कम डालिएगा, मीठा मुझे ज्यादा पसंद नहीं है आप जानते हैं। ठीक है। अरे जाओ यहाँ, क्या तमाशा है, चलो यहाँ से। हाय हाय। माफ किया। तो यतीम खाने में रहते हैं बच्चे, और इनका बाबा अभी इनके साथ नहीं है। अगली बार ये बच्चे मेरी दिक्कत बढ़ाएंगे तो मैं इन्हें दुनिया से कम कर दूंगा, सबको खत्म कर दूंगा। मिल गया रास्ता तो चली, तू बच्चा मत जा, ये रास्ता ही एक तरफा है, इस रास्ते पे जो भी किया वापस नहीं आया, मत जा ली। दादी कोई और वापस नहीं आया तो क्या हुआ, मैं वापस आऊंगा, दूसरी दुनिया में जाकर ही मुझे पता चलेगा कि 40 चोरों को कैसे मारना है। मुझे जाना होगा, 40 चोरों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना होगा मुझे। इस दुनिया में जाएगा उसे सूरज डूबने से पहले वापस आना होगा, अगर वो सूरज डूबने से पहले वापस नहीं आ पाएगा तो वो हमेशा के लिए दूसरी दुनिया में ही फंस जाएगा और फिर कभी वापस नहीं आ पाएगा। ये तो बहुत सुनसान और हैरत अंगेज दुनिया है, किसी भी सूरत हाल में मुझे 40 चोरों को मारने का रास्ता ढूंढना ही होगा। वापस आने का रास्ता कहां गायब हो गया? इतने सारे दरवाजे, जरूर इनमें से किसी एक दरवाजे के पीछे 40 चोरों को मारने का राज है, जाकर देखता हूं। वहां जाकर देखता हूं। मैं भी यहीं से तो गया था। मैं फिर से यहीं पे आ गया। वो क्या रहा है?
दरवाजे में भी जा रहा हूँ, घूम फिर के एक ही जगह पे निकल रहा हूँ। ऐसे तो पूरा मेरा वक्त बर्बाद हो जाएगा। गुजरते लम्हे के साथ सूरज भी डूबता जा रहा है, और अगर एक बार सूरज डूब गया तो हमेशा के लिए तिलिस्मानी दुनिया में अटक जाएगा। अली, पीछे जाने के सारे रास्ते बंद हो गए, अब बस एक ही रास्ता है आगे जाने का। मजीना, आप आपको पता है जबरू चाचा इस उम्र में दूसरा निकाह कर रहे। बेचारी चाची कितना रो रही थी, कितनी मिन्नतें मांग रही थी, लेकिन जबरू चाचा के तो कान में जुई नहीं रेंग रही है। जाने क्या जादू कर दिया उस शातिर औरत ने। हाँ मर्जीना आपा, हम चाची की मदद करने गए थे, सोच रहे थे हम चाची को जुल्म से बचा लेंगे, लेकिन उस शातिर औरत ने दो पल में ही हमें बेचारा बना दिया। आखिर ये शातिर औरत है कौन, और अचानक से जबरू चाचा और चाची की जिंदगी में आ कैसे गई? परवाज से ही है? नहीं नहीं, परवाज से नहीं है। जब से रखवाली ने अपने परवाज को महफूज बनाया ना, तो लोग जगह जगह से हमारे परवाज में रहने आ रहे हैं। उन्हीं में से एक होगी। आज के पहले तो मैंने उसे कभी नहीं देखा। ओया, ओया याद है वो भिखारी जो लोगों की हक की चीजें उनसे छीन रहा था? अरे वही जो हमें परेशान करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। अच्छा अच्छा याद है, मुझे तो वो उसी की बहन लगती। कुछ भी नफी, कैसे दोनों का हुलिया देखा है, कहीं से मेल नहीं खाता। अलीफी, भारी दुनिया के तौर तरीकों से बहुत अनजान होता है। याद नहीं है क्या बाबा ने हमें क्या सिखाया था? दो लोग चाहे कितने ही अनजान क्यों ना बन जाए, अगर वो रिश्तेदार हैं, एक खानदान के हैं, तो उनके हरकतें, अंदाज, तरीके जरूर कहीं ना कहीं मेल खाएंगे। बिल्कुल सही अलीफी, मेरे साथ रह के सीख ही जाओगी। लेकिन नफी, उन दोनों में ऐसा क्या एक जैसा देखा? शायद तुम दोनों को याद नहीं होगा, लेकिन उस भिखारी ने और इस शातिर औरत ने दोनों ने एक जैसा इशारा किया था। कौन सा? ये। चालीस चोरों ने काबुल शाही पर कब्जा कर लिया है, सद्दाम फरार है। नफी एक बार फिर से कीजिए। हो सकता है काबुल शाही से फरार होने के बाद सद्दाम परवाज में छुपने आया हो। जो भी हो, बहुत बुरा हुआ चाची के साथ। कोई बात नहीं अलीफी, बच्चों आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, हम देख लेंगे। और वैसे भी बच्चों को ऐसे तमाम बातों में नहीं आना चाहिए। शातिर औरत को हम देख लेंगे। सूरज सर पे चढ़ चुका है, फिक्र मत कर, आधा दिन बचा है। थोड़ी फिक्र तो करनी पड़ेगी अरे बेटा, क्योंकि आधा दिन ही बचा है। ध्यान से देख, चालीस चोरों को मारने की तरकीब यही नहीं होगी, देख तो जा। अली, इतनी खतरनाक जगह है ये गुफा। अब्बू, जहाँ आप साथ हैं वहाँ मुझे किस बात का खतरा, और जहाँ आप हैं वहाँ मैं महफूज हूँ। अब्बू आप, ये कोई ख्वाब है या फिर आप यहाँ कैसे? मुकद्दर में हमारा मिलना लिखा था अली, मेरा वजूद खत्म हो गया, लेकिन तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, इसलिए मुझे तो आना ही था। मेरे बच्चे, अपने अब्बू का अधूरा काम पूरा करने निकले हो तुम, तुम्हें तो फख्र होना चाहिए। मुझे तुम पर फख्र है मेरे बेटे। जिन 40 चोरों को मारने की तरकीब तुम ढूंढ रहे हो, उसका नाम है नूर। और मुझे पता है वो नूर कहां है। तुम्हें सूरज ढलने से पहले
उस नूर को हासिल करके इस तिलिस्मी दुनिया से चले जाना है। मैं नूरी नहीं बल्कि आपको भी अपने साथ लेकर जाऊंगा अब्बू। अब्बू साथ चलिए ना मेरे। इस तिलिस्मी दुनिया में कैद क्यों हूं आप? मुझे जरूरत है आपकी अब्बू। कोई नहीं है मेरा वहां पे। आपको साथ ही बगैर नहीं जाऊंगा अब्बू। नहीं अली, मैं तुम्हारे साथ यहां से बाहर नहीं निकल सकता। ये मुमकिन नहीं। तुम इस नूर को हासिल करो और यहां से बाहर निकल जाओ। नहीं अब्बू, मेरे साथ चलिए अब्बू। मैं जो कह रहा हूं उसको सुनो अली, यहां कदम कदम पे खतरा है। अब्बू, तुम उस तिलिस्म को हासिल करो और निकल जाओ यहां से। नहीं नहीं, मेरी बात सुनो अब्बू। अली, मेरी बात याद रखना, सूरज ढलने से पहले उस नूर को लेकर इस तिलिस्म से निकल जाओ। वक्त बहुत कम है तुम्हारे पास। अब्बू। अली। अब्बू। 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 चाहे जितनी दीवारें क्यों ना खड़ी हो जाए, अब्बू को तो साथ लेकर ही जाऊंगा। ये दीवारें तो मेरी तरफ आ रही हैं। जब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, रास्ते में पत्थर गिर रहे हैं। काश तलिस्मान मेरे पास होता। अली, जिसे तुम जादू समझ रहे हो वो कोई जादू नहीं है। असल जादू तुम्हारे अंदर है। अपने अंदर झांक कर देखो, जो तुम कर सकते हो वही जादू है। और जिस दिन तुम्हें वो खूबी नजर आ गई, समझ लेना कि तुम्हें जादू मिल गया।